वहाँ मुंबई में एक लड़का अजीत नावर टेंथ बोर्ड में टॉप टेन में ट्वेल्थ बोर्ड में टॉप टेन में मतलब कितना तेजस्वी होगा उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूँ पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा सपना था कि मुझे इंजीनियर बनना है वे नहीं बन पाए इसलिए वो सपना अपने लड़के पे ठोक देते थे अजीत नाभर की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है चलो ठीक है ओपन एग्जाम दी उसमें भी टॉप रैंक पे आया ही गॉट एडमिशन एट आई आई टी पवाई दैट इज आई आई मुंबई वॉट प्रेस्टिजियस नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री लेकिन इच्छा नहीं थी मन नहीं था इंजीनियरिंग में प्रथम सेमिस्टर में चार सब्जेक्ट में फेल सेकेंड सेमेस्टर में फेल पूरा सा, साल बिगड़ा तीसरे सेमेस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे वहाँ से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की जरा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना पंद्रह दिन के बाद हमारी फ़ाइनल एग्ज़ाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपेयर भी नहीं हुए थे और आपको जीरो मार्क्स है तो एक्सटर्नल एग्जाम से पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए अजीत ने बो कुछ बोला नहीं ऐसे देखते रहे तो प्रोफेसर ने ज्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में दस मार्क भी नहीं ले पाओगे और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट उस प्रोफेसर ने कहा इट्स सेवेंटी आउट सिक्सटी फोर आउट ऑफ सेवेंटी अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी कि आई विल ब्रेक IIT record this time in your subject. Take this from me today. वो वार्ता अलग के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी को पूछा कि मैं थर्ड सेमेस्टर में और मैकेनिक का सब्जेक्ट है कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है पंद्रह दिन के बाद एग्जाम है लाइब्रेरी ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया रेफरेंस बुक रिफर करना चालू कर दिया मेहनत की और पंद्रह दिन के बाद एपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर्ड सेवेंटी ऑन सेवनटी बाकी के सब पेपर में फिर फेल वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने उसका मन नहीं था दो साल के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ और आज अजीत नाबर मुंबई में सांता क्रूज विस्तार में अपने पिताजी के साथ एक ऑर्डिनरी गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। क्या करियर होने वाली थी क्या हो गई जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की उनकी लाइक्स नहीं समझते थे कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था होप के आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो खास करके आपके बच्चों को एंड इफ एट ऑल एल देर इंदर टीन एज इफ एट ऑल दे आर इन दियर यंग एज तो समझने की बहुत जरूरत है सत्य नदेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने सीईओ बने तब कोई पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा था कि वॉट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस सत्य नदेला ने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरी हर क्रिया में बहुत रस लिया दूसरी बात मुझे स्वतंत्रता भी दी और नियंत्रण भी रखा स्वतंत्रता इस बात की दी जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स बोथ तो स्वतंत्रता इस बात की दी कि मेरी जो सोच थी मुझे जो पढ़ाई करनी थी मुझे जो खेल मतलब गेम्स खेलनी थी उसमें स्वतंत्रता दी और नियंत्रण क्या रखा व्यसन न लग जाए कोई कुआदतें न लग जाए कुसंस्कार न लग जाए उस पर नियंत्रण रखा और तीसरी बात वे बोले बहुत अच्छा शब्द प्रयोग उन्होंने किया सत्यानंद इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि माई पेरेंट्स वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे माता पिता सबसे बड़े मेरे प्रेरणा मूर्ति हमेशा रहे हैं क्यों उन्होंने मुझे फ्रीडम और कॉन्फिडेंस दोनों दिया तो इस तरह से हम टीनेजर्स और यंगस्टर्स से पेश आते हैं मैं अगर आपको पूछूं कि बॉलीवुड के पांच नाम दे दो आप दस दे देंगे ये सर नो बोलो तो सही खाना बाकी है खा लिया खा लिया तो इतनी कमजोरी क्यों दिखती है भाई एनर्जी तो होनी चाहिए ना हम कल रात को साढ़े बारह बजे अहमदाबाद से आए पूरा कार्यक्रम था अहमदाबाद में फिर सुबह छह बजे उठ के सूरत गए दोपहर को साढ़े तीन बजे सूरत से वापस आए और अभी आपके कार्यक्रम में पिछले पौने घंटे से खड़े खड़े बोल रहा हूं छह चेहरे पे थकावट तो आप तो यहीं थे इतवार का दिन था दोपहर को लेट के आए हो <laughs> तो बात हम ये समझ रहे थे समय टाइम कैर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सत्य नदेला ने यह बात की हमारे घर में इस प्रकार का चित्र खड़ा न हो उसके लिए टाइम केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सभी परिवारजन की जिम्मेदारी है समय एक दूसरे के प्रति केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप मुझे ये कहेंगे कि स्वामी ये तो हम करते हैं लेकिन अगली पंद्रह पच्चीस मिनट में आपको पता चलेगा कि आप बहुत कम करते हो परिवार को समय देना वह बहुत जरूरी है है आपका व्यवसाय आपको नौकरी भी है लेकिन वो आपका सर्वस्व नहीं है जब आपकी आंखें बंद हुई तब आपके पास दस करोड़ हो या दस लाख हो या दस रुपये हो क्या फर्क पड़ता है उसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यवसाय ना बढ़ाए व्यवसाय के लिए जिम्मेदारी व्यवसाय के लिए उत्साह करके आप बढ़ाने का जरूर प्रयत्न करें लेकिन उस व्यवसाय के पीछे दौड़ते दौड़ते अगर आपने अपने जीवन में बैलेंस नहीं रखा वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं वो नहीं रखा तो वो तो कुत्ते जैसा जीवन हुआ बिल्ली जैसा जीवन हुआ गधे जैसा जीवन हुआ बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना कुमार मंगलम बिरला रात को आठ बजे अपने परिवार के साथ भोजन लेते हैं सालों से दुनिया के सबसे धनाढ़िया व्यक्ति वॉरेन बफेट अपने परिवार के साथ शाम को छह सात सात सा, बजे भोजन लेते हैं सालों से दशकों से अमेरिका के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा बारक ओबामा जब तीन साल पहले 2018 में हमारे गुरुजी जी महान स्वामी महाराज जी वहाँ वॉशिंगटन पधारे थे तब उन्होंने निमंत्रित किया था और उनकी वॉशिंगटन ऑफिस में वे हमारे गुरुजी गए थे तब बैरक ओबामा ने कहा कि मैं आठ साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा लेकिन एक भी दिन वो आठ साल में ऐसा नहीं है जब शाम को छः बजे मैं अपने परिवार के पास न पहुँच गया हूँ और शाम को सात बजे परिवार के साथ भोजन न किया हो तालियां मत बजाना कुछ करना है तो ही हाँ बाकी आपको आदत गिर गई है सुनने की और हमको बोलने की और कोई अच्छी बातें बता दे तो आप तालियां बजाते हो और हमको तालियां सुनने की भी आदत हो गई है इसलिए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आप अगर ये बात सुन के कुछ सोच के समझ के कुछ जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो ये कार्यक्रम की कुछ सफलता है तो आप सब यहाँ आए अपना समय आपने ये कार्यक्रम के लिए दिया तो उसकी कुछ फलश्रुति तो आपको मिलनी चाहिए ना तो यह फलश्रुति कुमार मंगलम बिरलाइफ ही कैन फाइंड टाइम फॉर इज फैमिली वॉरेन बफेट कैन फाइंड टाइम फॉर इज फैमिली इफ प्रेसिडेंट बारक ओबामा कैन फाइंड टाइम फॉर इज फैमिली आप इन तीनों से बड़े हो बड़े हो तो हाथ ऊंचा कर दो तो उनके लिए मैं एक्सेम्पन कर देता हूं तो समय परिवार को देना वह बहुत जरूरी है आप तो रात्रि भोजन में भी साथ में बैठे होंगे तो आपके दाएं हाथ में स्पून है और बाएं हाथ में क्या है वैसे आप सभी को पता है ये बात अगर ये बात सही है तो आप पृथ्वी पे सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो स्टंड साइलेंस वास्तविकता को स्वीकार नहीं पड़ेगी परिवार में सब साथ में बैठे हो तो आपकी खून की जो रिश्तेदारी है उससे बढ़िया जो रिश्तेदारी सौ मील दूर से आपको अपने समय पे फोन करते हैं अपने समय पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं उसको आप ज्यादा महत्व देते हो रात्रि भोजन के वक्त दूसरे रूम में साइलेंट पे मोबाइल रख देना और फिर रात्रि भोजन के लिए टेबल पे आना यह सुझाव कैसा लगता है तो दाया ऊंचा करते है? स्क्रीन टाइम कम कर दो तो परिवार के साथ आप आनंद का समय व्यतीत कर पाओगे हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ये बात बहुत करते थे आज हमारे गुरु हरि महंत साई महाराज ये बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम कम कर देना क्योंकि इनकी वजह से कहीं दुर्गुण कहीं कुआदते कहीं कुसंस्कार आपके जीवन में आ जाते हैं पता है आज पंद्रह अट्ठारह बीस साल के लड़के लड़की को भी हॉस्पिटलाइज करने पड़ते हैं बड़ी शहरों की बात है मुंबई अहमदाबाद और सेकंड स्टेज में बड़ौदा जैसे शहर भी आ जाएंगे किस वजह से डिजिट डिजिटल डिजीज़ीज़, डिजिटल डिजीज़ीज़। उसमें क्या है पता है जो भी मैंने बंद करवाया है वो उसको बोलते हैं फबिंग फोन प्लस नबिंग इज फबिंग किसी के साथ आप बात करते हो उस वक्त घंटी बजी तो आप फोन उठा लेते हो और उनसे बात करने लगते हो ये सबसे बड़े खराब मैनर्स हैं लेकिन आज के जेनरेशन में यह पता ही नहीं है कि ये फबिंग एक बड़ा खराब मैनर है इजीली कर सकते हैं आपके साथ बात करते हैं और फोन उठा लेते हैं टोटल नॉनसेंस। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन कभी नहीं उठा सकते हाँ कोई इमरजेंसी हमें पता है कि चलो हॉस्पिटल में किसी में कोई भर्ती हुआ है नजदीक के रिश्तेदारी में या कोई ऐसा इमरजेंसी काम है तो अभी एक बार स्क्रीन देख लेते हो नहीं है वो फोन नहीं है तो रख देते हो वापस साइलेंट करके दूसरा एक रोग है टेक्स्टाफ्रेनिया हर मिनट लगता है कि यार शायद किसी ने टेक्स किया है मुझे देख लो इसको बोलते हैं टेक्स्टाफ्रेनिया फिर एक रोग आता है टेगाइटी टेक्स्ट प्लस एंगजाइटी इजिकल्स टू टेंटी वो क्या है यार आधा घंटा हुआ किसी ने मुझे टैक्स क्यों नहीं किया एक घंटा हुआ ग्रुप में किसी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा क्या सब मर गए क्या अरे भाई इतने में नहीं मरते इसको बोलते हैं फिर एक रोग आता है डिजिटल डिजीज में फोमो एफ ओ एम ओ फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट फेसबुक पे आपने पोस्ट देखी परिचित परिचितों की अरे यार वो सब इकट्ठे हो गए अच्छा आनंद कर रहे थे खाना पीना ठीक था मुझे क्यों नहीं बुलाया मुझे कोई मैसेज नहीं छोड़ा भूल गए क्या तो अब दूसरी बार बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे मेरे से उनका उन लोगों का प्रेम मेरे प्रति कम हो गया है इस विचार में रात को दो ढाई तीन तक टीनेजर्स और यंगस्टर्स को नींद नहीं आती है स्लीपिंग पीस लेते हैं उसके सामने सुग्न जनों ने जोमो चलाया है जे ओ एमओ दॉय ऑफ मिसिंग आउट चलो आपने नहीं बुलाया पार्टी में मैंने भी घर पे मेरी मम्मी ने कोई अच्छी बात मतलब अच्छी रसोई पकाई थी मैंने भी खाया मैंने भी आनंद कर लिया तो उसके सामने अकेले बैठा बैठा जो खाया उसका फोटो वो पोस्ट करता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट वो पॉजिटिविटी के लिए है फिर एक डिजीज आता है फेड एफ एडी फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर अभी पिछले महीने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है ना दिल्ली में वहां पे दो भाई एक पंद्रह साल का एक सत्रह साल का उनको ले गए थे जब हॉस्पिटल में जा रहे थे तब भी उनके हाथ में लैपटॉप था और फेसबुक चालू था इतना एडिक्शन हो गया था कि फेसबुक स्क्रीन पे चालू ना हो तो खाना नहीं खा सकते थे अगर खाया तो हजम नहीं होता था पानी नहीं पी सकते थे रात को नींद नहीं आती थी इतना एडिक्शन हो गया था तो फेसबुक और ये सभी बातें तो ये हैं कि दुनिया क्या कर रही है मैं जानू तो सही और कुछ तो है नहीं दुनिया को तो जो करना है वो करेगी तू अपना पहला संभाल ले तू अपने आप को ठीक पहले कर ले ये सब वजह से हम अपने परिवार को समय नहीं दे सकते हम वायर्ड फैमिली के स्टेटस में आ गए इससे बाहर निकल के परिवार के साथ रहना है टाइम केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी बात है